लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए ने सोमवार को सीटों का बंटवारा कर लिया। माना जा रहा है कि कुछ देर में कम से कम बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। बीजेपी ने अपने पास 17 सीटें रख ली हैं और जनता दल यू को 16 सीटें दी हैं। अप्रत्याशित रूप से पशुपति पारस को कोई सीट नहीं दी गई, जबकि उनके भतीजे चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई है। एक सीट माझी के हम और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे दी गई है। अब नजरें महागठबंधन पर टिक गई हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन के घटक दल सीट बंटवारे में सामाजिक समीकरण को साधने में जुटे हैं, इसलिए महागठबंधन के सभी 5 घटक दलों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति अब तक कायम नहीं हो सकी। इन पार्टियों के बीच राज्य स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश है कि सभी दलों से समाज के सभी प्रमुख वर्ग के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएं। दूसरी तरफ नई दिल्ली में कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा और बिहार से गए पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस के दावे वाली सीटों और संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की गई। इस मीटिंग में प्रत्याशियों की जमीनी राजनीतिक पकड़, उनके जीतने की संभावना और संसदीय क्षेत्र की सामाजिक स्थिति इत्यादि पर मंथन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।